दोस्तों हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें उनकी काबिलियत के लिए आज जाना जाता है। वहीं कुछ ऐसे अभिनेता भी हैं जिन्हें उनकी गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है। उन्हीं अभिनेताओं में एक नाम आता है अभिनेता संजय दत्त का। जी हाँ दोस्तों, अपने टाइम में इनकी अपनी अलग ही भाईगिरी चलती थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इन्होंने एक बार मिथुन चक्रवर्ती को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से बचाया। क्यों दोस्तों, यकीन नहीं हुआ आपको? ये बात झूठ लग रही है ना, लेकिन सच यही है। हम आपको बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस हैं जिनके शानदार अभिनय को दर्शक आज भी याद करते हैं। उनमें से कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान ही अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ काफी खास रिलेशन बनाकर रखा। उनमें से एक एक्ट्रेस थी मंदाकिनी, जिनका अफेयर दाऊद इब्राहिम के साथ काफी टाइम चला। उसी दौरान मंदाकिनी को मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने का मौका मिल गया, तो मंदाकिनी ने इनके साथ काम करने के लिए हाँ कर दी। फिर मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी ने 1987 से 1990 के बीच 13 फिल्मों में काम किया, जिनमें डांस डांस, जीते हैं शान से और कमांडो जैसी सफल फिल्में भी शामिल थी। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि मिथुन चक्रवर्ती का दिल मंदाकिनी पर आ गया और मिथुन चक्रवर्ती जिस भी फिल्म में काम करते थे उसमें वो मंदाकिनी को लेने के लिए उस फिल्म के डायरेक्टर से जरूर बात करते। लेकिन मिथुन ये बात भूल गए कि मंदाकिनी पर दाऊद इब्राहिम अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, और जिस बात का डर था वही बात हो गई। मिथुन और मंदाकिनी की नजदीकियों के बारे में दाऊद इब्राहिम को पता चल गया और दाऊद ने इस बात को सुनकर मिथुन चक्रवर्ती को मंदाकिनी से दूर रहने की धमकी दे डाली। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने दाऊद इब्राहिम की धमकी को सीरियस ना लेकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक बार जब मिथुन का पीछा कुछ गुंडे कर रहे थे तब मिथुन को इस बात का एहसास हुआ कि दाऊद ने जो धमकी दी थी वो सही निकली। उस समय मिथुन चक्रवर्ती काफी डर गए। फिर उन्होंने समझदारी से काम लिया और अपने दोस्त संजय दत्त को फोन करके सारी बात बताई। वो इसलिए क्योंकि संजय दत्त उस समय अंडरवर्ल्ड भाई लोगों के काफी करीब रहते थे। फिर संजय दत्त ने जाकर दाऊद इब्राहिम से बात की और सारा मामला रफा दफा करके माहौल ठीक कर दिया, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने राहत की सांस ली और संजय दत्त को शुक्रिया अदा भी कहा। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने फिर कभी मंदाकिनी के साथ काम नहीं किया। तो दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती एक अच्छे इंसान थे, तो उनकी मदद संजय दत्त ने की। आपको मिथुन चक्रवर्ती कैसे लगते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।